उसकी नमाज जनाज़ा के लिए गए साहबा रोक रहे अल्लाह कहता है कि आप सत्तर बार भी इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं इसलिए कबूल नहीं करूंगा कि यह आपका दुश्मन था अल्लाह रसूल खुदा को रद्द नहीं कर रहा उनकी दुआ को बल्कि उसके दुश्मन को निभाष देना चाहता आप फरमाते हैं साहब से कि मैं बहत्तर मरतबा भी दुआ करूंगा अल्लाह ने सत्तर मरतबा का फरमाया है ना देख लाख हम मुसलमान को कह देते हैं कि तू तो तु गुमराह भाई मेरे से क्या गुमराही है इसकी इसलिए कि मेरी बात नहीं मानी ये क्यों है ये इसलिए है कि मेरा अपना तजकिया नहीं हुआ मैं सारे जमाने का तजकिया करना चाहता हूं मगर अपना नहीं देखो एक उंगली उठाते हो तुम किसी पर ये तकबर का अंगूठा है कि तीन उंगलियां तेरी तरफ इशारा कर रही हैं उसकी तरफ एक है लेकिन ये अंगूठा जो तकबर का है ना ये इन तीनों को नहीं देखने दे रहा इन तीन की तरफ तवज्जो नहीं आने दे रहा क्योंकि तकबर मुझे ये कि मैं तो जानता हूं ये जानना उसके लिए किसी भी मकसद का नहीं उसके लिए ये जानना असल मकसद का है कि ये तीन तेरी तरफ है तुझ में तीन बुराइयां उसमें एक है तो तू अपनी तीन पहले निकाल जो तो तीन ख़साइले रजीला में मुब्ती लाकर वो एक में है तो तो बड़ा कौन हुआ बड़ा गुमराह तो फिर तू ही हुआ ना कि तेरे में तीन है लेकिन नहीं दूसरे की आंख का हम बाल देखते हैं अपनी शैतीर भी नहीं देखते अपनी आंख में तो इसका मतलब यह हो गया कि इस इल्म ने न तेरे कल पर न तेरी अकल पर न तेरी रूह पर कुछ असर नहीं किया इल्म से बेहतर था कि तू तो अपने पर तेजाब डाल लेता कुछ असर तो करता दुनिया को नजर आता कि तेजाब डाला होगा अपने ऊपर ये सिया हाल है जिस तरह तेजाब डाला हुआ नजर आता है ना इसी तरह तजिया किया हुआ भी नजर आता है कि ये मुजह का है